बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट ग्राम इरिकपाल में 11 जून मंगलवार को दोहरी हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों में से 6 फरार आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिल गई है। आपको बता दें 11 जून ग्राम इरिकपाल में जमीनवाद और आपसी रंजिश चलते गांव के ही 12 व्यक्ति आपस में मिलकर योजना बनाए दो सगे भाई योगेश कश्यप और चंद्रशेखर कश्यप को खेत से जुताई व धान बुआई कर वापस आते वक्त सभी 12 लोग एक साथ मिलकर तीर धनुष फरसा कुल्हाड़ी डंडा लेकर योगेश कश्यप और चंद्रशेखर कश्यप की हत्या कर दिए थे, जिस पर थाना कोतवाली जगदलपुर में 11 जून को सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान 6 आरोपियों को 12 जून बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले के अन्य 6 आरोपी फरार थे, जिसकी पता तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। अलग अलग टीम बना करके अलग अलग ठिकानों पर फरार आरोपियों की पता साझी की लगाया गया था। टीम द्वारा 6 फरार आरोपियों को अलग अलग ठिकानों से लगातार पता तलाश कर आरोपियों के विभिन्न ठिकानों में जाकर हिरासत में लिया गया। शुक्रवार को घटना के बारे में विस्तृत पूछताछ करने पर बताया 11 जून को चैन सिंह गागड़े, जितेंद्र उर्फ तोसी राम नाग, मणिराम नाग, विष्णु गागड़ा, वासुदेव गागड़ा, मानसिंह गागड़े, मोतीलाल गागड़े, पंकज गागड़े, धर्म सिंह गागड़े, वीरेंद्र गागड़े, किशन कुमार नाग, रतन गागड़े आपस मिलकर प्लानिंग के थे और टंगिया फरसा तीर धनुष डंडा लेकर सभी खेत गए। वहां पर योगेश और चंद्रशेखर दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। योगेश को तीर मारकर पकड़ने पर उसका छोटा भाई चंद्रशेखर अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तब दोनों भाई को लोगों ने मिलकर के हत्या कर दिया, गर्दन पर प्राणघातक वार किए। वहां से घटना करने के बाद कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोगों को दूसरे दिन पकड़ लिया गया था। अब सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दी गई है। 2024 को इरिकपाल गांव थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है, वहां पे कश्यप परिवार के दो भाइयों की हत्या हो गई थी। इस हत्या में प्रथम दृष्टया जो गागड़े परिवार है उसके सदस्यों का सम्मिलित होना पाया गया था। प्रत्यक्ष दर्शियों के हिसाब से वो लोग खेत में जब काम कर रहे थे तो इन लोगों ने पकड़ करके उनकी हत्या कर दी थी कुल्हाड़ी टंगिया आदि हथियारों से। तत्कालीन मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और विवेचना में जुट गई थी। सारे आरोपी मौके से फरार हो गए थे। एक एक करके हम लोगों ने शुरुआत में 6 आरोपियों को पकड़ा था और 13 तारीख को उनको न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। इसी मामले में जो अन्य 6 आरोपी जो जिनके बारे में पता चला था वो फरार थे अलग अलग जगहों से, उनकी पता साझी की जा रही थी। इसमें कोतवाली की टीम और साइबर की टीम मिल करके इन लोगों ने एक एक करके आरोपियों को पकड़ा और आज हमारे पास में बाकी के जो 6 आरोपी हैं वो भी हमारी हिरासत में आ गए हैं। इनको भी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। घटना की जो प्रमुख वजह सामने आ रही है वो यही है कि एक जमीन को लेकर के दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी पुराना विवाद था और उस वजह से ही एक परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार की हत्या कर दी। उसके हिसाब से कार्रवाई की गई है। प्रयास यही रहेगा कि इन लोगों की भूमिका के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य जुटा करके न्यायालय में हम लोग जल्द से जल्द चालान पेश करें और इनको कड़ी सजा दिलवाएं। इनके बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा था। इसके संबंध में पहले जब शिकायत वगैरह हुई थी उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी हुई थी और 145 जो ज़मीन के विवाद को लेकर के एक इश्तगाशा होता है उसका इश्तगाशा भी हमने पेश किया था। उसके बाद भी इन लोगों के बीच में विवाद थम नहीं रहा था और एक पर्टिकुलर ज़मीन थी जिसको लेकर के दोनों ही परिवार क्लेम करते थे कि उनकी ज़मीन है। तो घटनाक्रम हमको जिस तरीके का पता चला है वहाँ लोगों ने जैसा बताया है उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि प्री प्लान था। ये आएंगे उसके हिसाब से ही चालान में फिर फैक्ट्स डाले जाएंगे।